दर्पण न्यूज नेटवर्क और लोकहितम ब्लड बैंक लगा रहे हैं 13 जून दिन सोमवार को रक्तदान शिविर। समय प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक। स्थान A/1 रामबाबू की जीन, बेलनगंज, आगरा। आइए शामिल होते हैं इस पुण्य कार्य रक्तदान महादान के आयोजन में। उधार सामान न देने पर गरीब दुकानदार को दबंग युवकों द्वारा पीटा गया। गरीब दुकानदार ने झगड़े की सूचना थाने में दी और दबंगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। दुकानदार का आरोप है कि पुलिस द्वारा दबंगों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसके बाद आज दुकानदार आगरा पुलिस कप्तान के कार्यालय में न्याय की गुहार लगाने पहुंचा है। थाना मलपुरा का एक मामला सामने आया है, जहां दबंगों द्वारा एक दुकानदार से उधार सामान मांगा जाता है। उधारी ज्यादा बढ़ जाने के चलते दुकानदार द्वारा मना कर दी जाती है, जिसके बाद दबंग युवक उस दुकानदार व परिजनों पर हमला बोल देता है, जिस वजह से युवक और उसके परिजन लहूलुहान हो जाते हैं। घटना की सूचना पुलिस को दे दी जाती है और रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। सर, यहाँ पर इसलिए आए हैं कि पुलिस में थाने में हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस जो है गुमराह करती है अपने बचाव के लिए, कई जो सत्य घटना को नहीं लिख करके गुमराह चोर मरोड़ कर घटना को कर रही है। मेरे साथ में ये हुआ कि मैं और मेरे बच्चे दुकान पर बैठे हुए थे, मैं घर और दुकान दोनों चीज हैं, तो ये उधार मांग रहा था। उधार पहले पैसे थे, उधार बेटे ने नहीं दिया तो गाली गलौज की और अपने परिवार को बुला करके मेरे पर अपना से हमला कर दिया। यही काम है, गांव में कई जगह ऐसे घटना करते रहते हैं, आए दिन ये घटना करते रहते हैं। हमारे ऊपर लाठी डंडा और साहब बोले क्या थे फरसा ताँतिया कुल्हाड़ी जैसी। कप्तान साहब ने क्या है कि भाई हमने आपके लिए आदेश कर दिया है थाने के लिए, आपका मुकदमा लिख जाएगा। आप क्या चाहते हैं? हम कहते साहब कि उन दबंगों के खिलाफ मतलब मुकदमा लगा जाए, उनकी कार्रवाई हो। इस तरह की घटना को कई बार दबंग युवक द्वारा गांव में अन्य जगह भी किया जाता है। इस तरह की घटनाओं को कई बार दबंग युवक द्वारा गांव में अन्य जगह भी किया जा चुका है, जिसको लेकर दुकानदार का आरोप है कि थाना पुलिस उन दबंगों पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। अरे भैया, हम अपनी गुहार लेके इसलिए आए हैं कि हमारा सहारा गाँव में एक परिवार रहता है वैश्य समाज का, और ये फतेहपुर सीकरी रोड पर पड़ता है, बिल्कुल रेलवे किनारे के पास। मामला ये है सर, हम दुकान बढ़ा रहे थे, 9:15 बजे की बात है। सोनवीर उसका छोटा भाई है, छोटू मतलब ताऊ जी का लड़का है छोटू, ये दोनों आते हैं और आते ही हमसे सामान मांगते हैं। उन पर सर हमारे पहले भी पैसे बकाया हैं, उन्होंने नहीं दिए। आकर तुरंत हमने जब मना कर दिया सामान देने का, तो हमसे गाली गलौज करने लगे, माँ बहन की अभद्र गाली दे रहे थे। उन्होंने जब हमने मना कर दिया तो उन्होंने सर अपने भाइयों को, अपने चाचा को, अपने पिताजी को, सबको बुला लिया, बाबा तक को बुला लिया। 7-8 लोग इकट्ठे हो गए, हमें साहब इतना मारा है जी। गांव के ही हैं सर। दबंग किस्म के लोग हैं क्या? हाँ जी, बहुत दबंग, गुंडा एक्टिव भी है साहब, उन पर सब कुछ लगा हुआ है और हर थाने में हर चौकी में उनका नाम है साहब। क्या कहती है पुलिस? पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है साहब। आज यहाँ पे गुहार लेके यहाँ पे आए सर कप्तान सर के पास, उन्होंने ये कहा है कि आदेश कर दिया है, आपका मुकदमा हो जाएगा। न्याय की गुहार लगाने दुकानदार व उसके परिजन आगरा पुलिस कप्तान की कार्यालय आए हैं, जहां उन्हें कार्यवाही का पूर्ण आश्वासन दिया गया है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से राजा सूर्यवंशी की रिपोर्ट।